दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एक्स स्टूडेंट और रेगुलर स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं फाइनल ईयर के, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि DU में 14 सितंबर से ऑफलाइन एग्जाम परीक्षा ली जाएगी। आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर आई है, दैनिक भास्कर के अंदर इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आज शाम तक ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर मिली शिकायतों दायर याचिका पर सुनवाई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी 14 सितंबर से ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए 14 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए। जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिकायत निवारण कमेटी को निर्देश दिया है कि सोमवार शाम तक शिकायतों का निपटारा करो और सोमवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट को बताया कि वो सितंबर के अंत तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करेगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि वो 20 सितंबर से ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना चाहती है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब ओपन बुक एग्जामिनेशन अगस्त में ख़त्म हो जाएगा तो सितंबर के अंत तक ऑफलाइन परीक्षा क्यों ले रहे हो। कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का डाटा बताता है कि आधे से कम छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है, इसलिए ऑफलाइन परीक्षा 8 सितंबर से आयोजित की जाए। इस दौरान हाई कोर्ट ने शिकायत निवारण कमेटी को फटकार लगाई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूछा कि शिकायत निवारण कमेटी ने काम करना शुरू किया कि नहीं। इस पर शिकायत निवारण कमेटी के एक सदस्य बीबी गुप्ता ने कहा कि उन्हें आज ही मेल का पासवर्ड मिला। इस पर कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए कहा कि जब कमेटी ने कोई रोक नहीं थी तो आपने कमेटी का काम रोकने की कोशिश की। जब हमने आदेश पारित कर दिया तो तब भी आप वही कर रहे हो। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि आप कमेटी को काम नहीं करने दे रहे। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, दिल्ली सोमवार को सुनवाई हुई है परीक्षा का रिजल्ट, जो कि उसके ऊपर आने वाले टाइम में ऑफलाइन परीक्षा ले सकता। अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जो दोस्त तैयारी नहीं कर रहे वो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।